हाय गाइस, वेलकम बैक टू मोडर्न फूड। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कश्मीरी दम आलू की रेसिपी। इस रेसिपी में हम आलू को दही की ग्रेवी के साथ कुछ स्पाइसेस मिला के पकाते हैं। इस रेसिपी को आप एक तरह से सात्विक रेसिपी भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें ना प्याज जाता है, ना लहसुन, ना टमाटर। ये बिना इन सब चीज़ों के बनती है, फिर भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आइए बनाते हैं ऑथेंटिक कश्मीरी दम आलू। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कश्मीरी दम आलू बनाने के लिए हमें बेबी पोटैटोस चाहिए, मतलब जो छोटे वाले आलू आते हैं हमें वो वाले चाहिए। मतलब बहुत भी छोटे नहीं कि जो एकदम ही छोटे हों, उनसे थोड़े से बड़े वाले चाहिए। यहाँ पे हम ये आलू लेके इसे छील देंगे, फिर हम एक फोक की मदद से इसे प्रिकल करेंगे, मतलब इसमें छेद करेंगे। हम छेद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस आलू को हमें डीप फ्राई करना है। और इसमें छेद करने से ये फ़ायदा होता है कि जब हम इसे डीप फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से अंदर तक पक जाएगा। साथ में जब हम इसे ग्रेवी में डालेंगे तो ग्रेवी इसके अंदर तक आराम से पहुंच जाएगी, तो इसके अंदर सारे फ्लेवर्स अच्छे से पहुंच जाएंगे। इसमें हम आलू को दो तरीके से डाल सकते हैं। एक तो ये पहला तरीका जिसमें हम कच्चे आलू में प्रिकल करके फिर उसे डीप फ्राई करेंगे, और एक दूसरा तरीका है जिसमें हम आलू को बॉईल कर लेंगे। बॉईल करके हम इसे पूरी तरीके से नहीं पकाएंगे, इसे कच्चा ही थोड़ा रहने देंगे, फिर हम उसके बाद उसका छिलका हटा के उसमें प्रिकल करके फिर उसे डीप फ्राई करेंगे। वो दूसरा तरीका है, बट ये तरीका हमारा ट्रेडिशनल तरीका है। तो हम यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से कश्मीरी दम आलू बनाएंगे। हमने सारे आलू को प्रिकल कर लिया है, अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, फिर हम आलू को उसमें डाल के फ्राई करेंगे। यहाँ पे हम आलू को पूरी तरीके से पकाएंगे नहीं, सिर्फ 60-70% ही इसे फ्राई करेंगे। फिर हम इसके बाद इसको निकाल के रख देंगे और दोबारा फ्राई करेंगे थोड़ी देर बाद, जब हम इसका ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो अभी हमें सिर्फ इसे 60-70% ही पकाना है। यहाँ पे आलूओं को डबल फ्राई इसलिए किया जाता है जिससे ये बाहर से क्रिस्पी हो जाए और इस पर एक अच्छा सा कलर भी आ जाए। और डबल फ्राई करने की वजह से आलू थोड़ा सा फूल जाता है जिससे ये अच्छे से ग्रेवी अपने अंदर सोक कर लेगा। तो यहाँ पे हमें इसे पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे सिर्फ 60-75% ही पकाएंगे। यहाँ पे ये आलू हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल के एक प्लेट में रख देंगे। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। इसकी ग्रेवी में ज़्यादा मसाले जाते नहीं, और जैसा हमने पहले बताया था कि इसकी ग्रेवी दही की बनती है, तो यहाँ पे हम दही लेंगे। दही हम एक कप लेंगे, और सबसे ज़रूरी बात, हमारी दही रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, दही बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए। दही में हम डाल देंगे एक बड़ा चम्मच सौफ का पाउडर, और हम डाल देंगे एक छोटा चम्मच सौंठ, मतलब अदरक का पाउडर। ये दोनों चीज़ें डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करके आगे के इस्तेमाल के लिए रख देंगे। कश्मीरी दम आलू की ग्रेवी में एक और मेन चीज़ जाती है, वो है कश्मीरी लाल मिर्च। हम एक बोल में एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे। आप कश्मीरी लाल मिर्च की जगह देगी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये दोनों मिर्च तीखे नहीं होते और इससे कलर अच्छा आता है। कश्मीरी मिर्च लेने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, लगभग 50-100 ml, और इसे अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। अब हम कश्मीरी दम आलू की ग्रेवी तैयार कर लेंगे। ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने एक कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाला है। आप यहाँ चाहें तो नॉर्मल जो आप तेल यूज़ करते हैं वो भी डाल सकते हैं, बट सरसों के तेल से एक ऑथेंटिक टेस्ट आएगा। सरसों का तेल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच शाही जीरा। जीरा के पक जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे एक बड़ी काली वाली इलायची, दो लौंग, और साथ में हम डाल देंगे एक चुटकी हींग। इन सारी चीज़ों को डाल के हम इसे कुछ 30 सेकेंड के लिए पका लेंगे, और फिर हम इसमें अपना कश्मीरी मिर्च का जो पाउडर का हमने पेस्ट तैयार किया था वो डालेंगे। मिर्च का पेस्ट डाल के हम इसे 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक इसमें से तेल थोड़ा सा अलग ना हो जाए। 2 मिनट बाद हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डाल के भी हम इसे 2 मिनट और पका लेंगे। आप देख सकते हो ये अच्छे से पक चुका है, इसमें से तेल अब अलग होने लगा है। अब इस वक्त पे हम फ्लेम को एकदम लो कर देंगे, या आप चाहें तो गैस बंद भी कर सकते हैं। उसके बाद हम अपना फेटा हुआ दही डाल देंगे, वही दही जिसमें हमने सौंफ सौंठ का पाउडर डाला था। उसको डालने के बाद हम इसे अच्छे से चलाएंगे, हमें हाथ रोकना नहीं है, हमें इसे कंटिन्यूस चलाना है, नहीं तो हमारी दही फट जाएगी।
दही डालने के बाद हम इसे फिर से 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे, जब तक ऑलमोस्ट इसमें से तेल थोड़ा अलग ना हो जाए। अगर आप चाहें तो इसे बिना ग्रेवी का भी बना सकते हैं। जैसे ही इसमें तेल हल्का सा अलग हो जाएगा तो हम इसमें डायरेक्टली अपने आलू फिर से फ्राई करके डाल देंगे और इसको नमक डाल के सर्व करने के लिए तैयार कर देंगे। पर अगर हम ग्रेवी वाला बना रहे हैं तो इस टाइम पे हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसमें हम 1 से 2 कप पानी या फिर जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे हम ग्रेवी वाला बना रहे हैं, इसके लिए हमने इसमें 1 से 1.5 कप पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद हम इसे उबाल आने तक पका लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच या फिर अपने स्वाद अनुसार नमक। नमक डाल के हम इसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। जब तक यहाँ हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है, हमने दूसरे साइड तेल को गर्म होने चढ़ा दिया है। इस बार हम तेल को थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करेंगे और फिर हम उसमें अपने पहले से फ्राई करके रखे हुए जो हमने हाफ फ्राई किया था आलुओं को, उसे डाल के और फ्राई कर लेंगे जब तक वो डार्क गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जैसा कि हमने पहले ही बताया था, ये करने से हमारे आलू बाहर से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से ये अच्छे से खोखले से हो जाएंगे, जिससे ग्रेवी पीने में इन्हें आसानी रहेगी। और ये देखिए, हमारे आलू अच्छे से अब ब्राउन हो चुके हैं और इसे हमें चेक भी कर लेना है कि ये पके हैं कि नहीं। अगर ये नहीं पके होंगे तो इसे थोड़ी देर और पकाएंगे, नहीं तो हम इसे अब डायरेक्टली अपने जो तैयार हो रही है ग्रेवी उसमें डाल देंगे। यहाँ पे हमें आलुओं को डायरेक्टली तेल से निकाल के सीधा ग्रेवी में डाल देना है। ये करने से आलू ऑलरेडी गर्म रहते हैं तो ग्रेवी अच्छे से पी लेंगे अपने अंदर, मतलब सारे फ्लेवर्स वो अच्छे से अपने आप सोख लेंगे अपने अंदर। आलुओं को डालने के बाद हम इसे कुछ 3 से 4 मिनट के लिए और पकाएंगे और इसे पकाने के बाद हमारी कश्मीरी दम आलू एकदम तैयार हो जाएंगे सर्व करने के लिए। और ये देखिए, तेल अब ऊपर आ चुका है, इसका मतलब हमारी ग्रेवी अब अच्छे से पक चुकी है, मतलब ये बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्लेम को बंद करके इसे थोड़ी देर ढक के रख देंगे, जिससे ये फ्लेवर्स अपने अंदर अच्छे से सोक कर ले। और ये हमारी ऑथेंटिक कश्मीरी दम आलू तैयार हो गई सर्व करने के लिए। जीरा राइस या फिर रोटी, नान, पराठा, किसी के साथ भी आप सर्व करके इसे एंजॉय करिए। तो है ना ये एक आसान सी रेसिपी, बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली आसान और टेस्टी सी रेसिपी। तो मिलते हैं अगली बार इसी तरह की कोई आसान सी और टेस्टी सी रेसिपी लेके। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।